हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया नायक एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल एजुकेशन पिल। सो एज यू नो दैट वी आर डूइंग दिस CUET PG इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट प्रिपरेशन ओनली ऑन आवर चैनल एजुकेशन पिल। तो आपको पता है कि हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं, है ना। हमने ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, एज ऑफ चौसर पढ़ लिया है एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी एज ऑफ रिवाइवल। टू दोज हु आर न्यू ऑन आवर चैनल मैं बता दूं कि हम ये जो सीरीज है इसे हम आपके जो एग्जाम है उसके पहले ही खत्म कर देंगे एंड इसमें हम आपका पूरा CUET PG इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, राइट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए और यू वांट टू नो सम काइंड ऑफ टिप्स रिलेटेड टू योर एग्जाम सो यू कैन सिंपली डायल दिस नंबर। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वी हैव टू टेलीग्राम ग्रुप्स, वन इज फॉर स्पेशली आर फॉर आवर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, फ्री PDFs एंड जो भी PYQs हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा हमारा चैनल है दैट इज एजुकेशन पिल, वहाँ पर आपको क्लास के रिगार्डिंग अपडेट, अगर कोई शेड्यूल में चेंज है तो वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पिल पर पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन हम वीडियोस अपलोड करते हैं विच इज़ योर सिलेबस, है ना, आपका सिलेबस जिससे कम्प्लीट होगा एंड बाकी 3 दिन वी आर डूइंग दिस MCQ सीरीज वेयर वी सॉल्व 75 MCQ इन ईच क्लास, ठीक है। इसका जो टाइमिंग है दैट इज 7 PM इन द इवनिंग और अगर कभी किसी टाइमिंग में चेंज आता है, शेड्यूल में चेंज आता है फॉर एनी रीजन, तो आपको प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आज का हमारा कोटेशन है, बेटर टू डू समथिंग इम्परफेक्टली देन टू डू नथिंग फ्लॉलेसली। तो इसी कोटेशन के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का एज जो है The Age of Revival. The Age of Revival, इसका जो time period है, it is 1400 to 1550. अब जैसा कि ये नाम आपको बता रहा है, The Age of Revival, इसका मतलब है कुछ है जिसका revival, मतलब जो कि दोबारा लौट कर आ रहा है। तो The Age of Revival, जिसे हम रेनेसा के नाम से भी जानते हैं, इसको ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि इस वक्त क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर, ग्रीस एंड रोम की जो एंशियंट लर्निंग थी, एंशियंट ग्रीस एंड रोम की जो लर्निंग थी, जो दब चुकी थी, जिन्हें पहले लोग पढ़ते थे, इंटरेस्ट रखते थे, बट ड्यू टू द मिडाइवल टाइम पीरियड फ्रांस से भी लोग आए तो अपना कल्चर सभी लोग लेकर आए और ये जो चीज़ें पहले से प्रिवेलेंट थी टाइम पीरियड में वो सब धीरे धीरे दब गई, इनका होता है रिवाइवल, ठीक है। सो दिस पीरियड मार्क्स द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग फ्रॉम एंशियंट ग्रीस एंड रोम। ये जो एरा है यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस ह्यूमनिज्म पर रहता है। इवन आप कह सकते हैं कि इस एरा का स्लोगन ही था कि ह्यूमनिज्म होना चाहिए। ह्यूमनिज्म बिकेम द स्लोगन ऑफ रेनेसा। ह्यूमनिज्म के फादर भी एक इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, तो ही इज पेट्रार्क। इस एरा में, दिस एरा विटनेस्ड अ न्यू फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, जहां पर लोग साइंटिफिक नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे थे, आर्ट एंड कल्चर को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। ये जो टर्म है रेनेसा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रीबर्थ, दोबारा पुनर्जन्म लेना, है ना, रीबर्थ। तो इसका ऐसे समझ लीजिए कि कोई चीज है जो पहले प्रेवलेंट थी टाइम पीरियड में, फिर नई चीजें आई जिसकी वजह से पुरानी चीजें कहीं ना कहीं दब गई और अब द एज ऑफ रिवाइवल में वो जो लर्निंग थी फ्रॉम ग्रीस, फ्रॉम रोम, उन सबका रिवाइवल होता है और इन सबके रिजल्ट से लोगों की इंटेलेक्चुअल एंड जो कल्चरल ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मिडाइवल टाइम पीरियड में जितनी भी चीजों का डिक्लाइन हो गया था, इस एज में वो दोबारा सभी प्रिवेलेंट हो जाती हैं, वो सभी कल्चर में आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम द एज ऑफ रिवाइवल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की।
तो इसमें इस टाइम पीरियड में कुछ 3 से 4 मेजर इवेंट्स हुए थे, जिनमें से सबसे पहला था प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन फ्रॉम 1517 to 1648। तो ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था जो कि इस बीच होता है, इसकी शुरुआत हुई थी मार्टिन लूथर की बुक 95 थीसिस से। ठीक है, 95 थीसिस नाम की ये जो बुक है, इस बुक से शुरुआत होती है, मतलब माना जाता है कि इस बुक से शुरुआत हुई थी इस रिफॉर्मेशन की, इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। देखो, रिफॉर्मेशन इस शब्द को समझो, रिफॉर्मेशन माने किसी चीज को रिफॉर्म किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ है समाज में जो गलत चल रहा है, कुछ है जो ठीक नहीं है, या कुछ ऐसा है जिसे सुधारने की जरूरत है, और तब हम करते हैं रिफॉर्मेशन। तो ये जो था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसका एम था कि रोमन कैथोलिक चर्चेज में जो प्रैक्टिसेस, जो बिलीव्स हैं, हमें उनको रिफॉर्म करना है। द थिंग्स विच आर लाइक नॉट राइट और विच आर हैपनिंग रॉन्ग इन दीज प्लेसेस, उनको हमें सुधारना है। इस मूवमेंट का एक बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट था लोगों के रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स पर। और ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था, इट स्प्रेड ऑल अराउंड द यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी शुरुआत हुई थी विद द बुक 95 थीसिस बाय मार्टिन लूथर इन 1517। तो आप इस चीज को जरूर नोट डाउन कर लें एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इसके बाद आता है वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस विच लाइक हैपन बिटवीन 1455 to 1487, ये जो था ये टू हाउसेस के बीच में हुआ, और हुआ क्यों आपको ये जानना जरूरी है। तो बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ सिविल वॉर्स थी जो कि सत्ता पाने के लिए हो रही थी। दीज वॉर्स वर हैपनिंग टू गेन पावर, टू गेट द थ्रोन। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला ये किन दो हाउसेस के बीच में हो रही थी। तो दे वर हैपनिंग बिटवीन द हाउस ऑफ लैंकास्टर एंड द हाउस ऑफ यॉर्क्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो वॉर्स थे उनका रीजन क्या था। तो द अल्टीमेट रीजन वॉज टू गेन पावर, वॉज टू गेन द थ्रोन। ठीक है, इंग्लिश थ्रोन एंड पावर गेन करना इसका सबसे मेन मोटिव था। एंड ये सब दो मेजर हाउसेस के बीच में हो रहा था, टू मेजर रॉयल हाउसेस, जिनका नाम मैंने आपको बताया, द हाउस ऑफ लैंकास्टर विच सिंबलाइज्ड बाय द रेड रोज, एंड द हाउस ऑफ यॉर्क विच वाज सिंबलाइज्ड बाय द वाइट रोज। ठीक है, इसके बाद इस टाइम पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट मार्क होता है वो है प्रिंटिंग प्रेस का आना। तो जनरली इंग्लैंड से ही क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि लाइक हु ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड। सो इट वाज मिस्टर विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन एक इंग्लिश मर्चेंट, डिप्लोमेट एंड प्रिंटर थे जिन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की। ही डिड दिस इन 1476। कैक्सटन की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, इसकी वजह से एक मेजर चेंज आता है इनटू द लिटरेचर ऑफ दैट टाइम पीरियड। इसकी वजह से बहुत ही सोसाइटल चेंजेस आते हैं, क्योंकि अब लोगों के जो वर्क्स ओरली ट्रांसमिट हो रहे थे, वो वर्क्स जिनको छपवाना, छपाने के लिए लोग लिखते थे, है ना, प्रॉपर ये दिया जाता था कि ये एक बुक है, आप 10 इसकी कॉपीज बना दीजिए, और जो डिग्निटरीज हैं, जो नोबल पीपल हैं, उनको वो दे दी जाएंगी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से अब ये जो वर्क्स थे ये लाखों लोगों के पास जाने वाले थे। तो प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन के द्वारा आती है इन 1476। एंड आपको ये भी याद रखना है कि यूरोप में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो आई थी बाय जोहान्स गुटेनबर्ग इन 1450। तो ये दोनों फैक्ट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इस टाइम पीरियड में एक बहुत ही क्रूअल शासक होता है जिसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दैट एक हेनरी VIII था, एंड ये बहुत ही लालची, क्रूर और काइंड ऑफ बेकार किस्म का राजा था। बेकार मैंने क्यों बोला, बिकॉज लाइक ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन, ही वॉज नॉट अ गुड ह्यूमन बींग। उसे बेटे की इतनी चाह थी दैट ही मैरिड 6 डिफरेंट वुमेन
और फिर उन्हीं पर लांछन लगा के दैट शी इज नॉट अ गुड वुमेन, शी इज अ बिट्रेयर, ऐसे करके वो उन्हें मरवा लिया करता था। तो इसकी कहानी बड़ी फेमस है कि ये हेनरी दी एट था और इसकी 6 वाइफ्स थी। बेटा की चाह में सबको टाइम पीरियड के बाद मरवा दिया करता था। ठीक है, ही वॉज द वन हु स्टार्टेड द एंग्लिकन चर्चेस। अब इस टाइम पीरियड पर क्या हो रहा था, जो राजा थे वो एक तरीके का रॉयल पैसा दिया करते थे, ठीक है, रॉयलिटी दिया करते थे नोबल मैन को। और वो ऐसा क्यों करते थे, ताकि ये लोग वॉयेजेस पर जाएं, दूसरों के लिटरेचर को पढ़ें, वहां से जो बेस्ट चीजें हैं वो हमारे यहाँ लेकर आए। इसके अलावा वॉयेजेस इसलिए भी प्रमोट की जा रही थी क्योंकि इस टाइम पीरियड तक इंग्लैंड के लोगों को ये पता चल गया था कि जो विश्व है ये छोटा नहीं है, वो लोग जहां पर रह रहे हैं दुनिया बस इतनी ही नहीं है बल्कि इट इज वेरी वास्ट, है ना। तो ऐसे ही एक वॉयेज में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका को डिस्कवर करते हैं ऑन 12 अक्टूबर 1492। एंड फिर आते हैं वास्को डिगामा जो कि जुलाई 1497 में इंडिया को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये जो सेक्शन है ये मैंने अलग से बनाया है, स्पेशली आई हैव डिजाइन दिस फॉर यू बिकॉज बहुत सारे बच्चे बाइबल ट्रांसलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट बाइबल ट्रांसलेशन रही हैं जैसे साथ, मैंने उन सभी को पर्टिकुलरली यहाँ पर नोट डाउन किया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, लाइक आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू एंड एज आई ऑलवेज से, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना। तो प्लीज जब भी वीडियो आप देखते हैं तो उसके एंड में मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देकर जाएं। आई वॉन्ट टू नो वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डिड नॉट लाइक इट, वॉट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई द क्वालिटी ऑफ माई लेक्चर्स, राइट। सो प्लीज वेन एवर यू कंप्लीट वॉचिंग अ वीडियो डू गिव योर फीडबैक इन दी कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम नोटेबल बाइबल ट्रांसलेशंस की। सबसे पहला तो है वाइक्लिफ्स बाइबल, जिसे हमने पिछले एज में भी पढ़ा था। वाइक्लिफ्स बाइबल जो है ये पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन माना जाता है ऑफ द बाइबल, और कहते हैं ये जॉन वाइक्लिफ ने किया था। इन्होंने लैटिन से इंग्लिश में बाइबल जो है वो ट्रांसलेट की थी। इसके बाद सबसे सिग्निफिकेंट जो बाइबल ट्रांसलेशन है इट इज टिंडल्स बाइबल। टिंडल की जो बाइबल है इसने आगे आने वाली सारी बाइबल्स को, सारी बाइबल ट्रांसलेशंस को कहीं ना कहीं हेल्प की, कहीं ना कहीं गाइड किया है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है। विलियम टिंडल की जो बाइबल थी, आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि हमने वाइक्लिफ में देखा कि लैटिन से इंग्लिश में हुई थी, है ना। तो टिंडल का आप याद रख लीजिए कि ये ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की लैटिन और ग्रीक, तो क्लियर रखना है वाइक्लिफ ने लैटिन से इंग्लिश में किया था एंड टिंडल ने ग्रीक से इंग्लिश में किया था। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट आती है कवर्डेल्स बाइबल। माइल्स कवर्डेल की जो ट्रांसलेशन है जो कि काफी हद तक टिंडल से इंस्पायर थी, इसको फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल कहा जाता है। तो अगर फर्स्ट ट्रांसलेशन पूछा जाए तो वाइक्लिफ होगा, अगर पूछा जाए ग्रीक से इंग्लिश में किसने किया था तो टिंडल, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्रिंटेड कंप्लीट इंग्लिश बाइबल कौन सी थी तो इट इज कवर्डेल्स बाइबल। ठीक है, चलिए इसके बाद है ग्रेट बाइबल। ग्रेट बाइबल आप याद रख लेना कि किसी ग्रेट शासक के नाम से ही होगी, उसकी उसको एट्रीब्यूट दिया जाएगा। तो ग्रेट बाइबल जो है इसको लाइक आप जोड़ के रख लीजिए, ग्रेट किंग, ग्रेट कौन होगा, वही जो क्रूअल रहा है। तो इट इज हेनरी दी एट। ये जो वर्जन है ये भी टिंडल की बाइबल से ही हैवीली इन्फ्लुएंस्ड था। ठीक है, और ये जो हेनरी दी एट था इसने इसको इसीलिए ऑथराइज कराया ताकि अब चर्चेज में यही वाली बाइबल चलेगी। ठीक है, हाँ, फिर आती है जिनेवाज बाइबल। जिनेवाज बाइबल जो है ये आप इसीलिए नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज इट इट केम इन ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन मैरी वन। ठीक है, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई इंग्लिश एग्जाइल्स इन जिनेवा ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन मैरी वन। इट इंक्लूडेड स्टडी नोट्स एंड बिकेम पॉपुलर अमंग प्रोटेस्टेंट। मैं आपको फिर से बता दूंगी कौन कौन इम्पॉर्टेंट है इन 6 में से भी। सबसे पहले वाइकलिफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, टिंडल बहुत इम्पॉर्टेंट है,
इसके बाद माइल्स कवरडेल का बाइबल भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल, ठीक है। इसके बाद ग्रेट बाइबल आप याद कर सकते हैं, जिनेवा बाइबल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बाइबल, दैट इज किंग जेम्स वर्जन। किंग जेम्स वर्जन केम आउट इन 1611 एंड इट वॉज कमीशन बाय किंग जेम्स वन, ठीक है। तो ये जो किंग्स किंग जेम्स वन का बाइबल है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइबल है। तो आप इन छह बाइबल्स को नोट डाउन जरूर कर लिया। अब हम आते हैं हमारे आज के क्लास के नेक्स्ट सेक्शन पर, एंड दैट इज मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स। तो देखो, इस वक्त के जो मेजर राइटर्स रहे हैं, उनका एक से दो वर्क ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैंने नाम तीन चार भी लिख लिए हैं, अगर तीन चार भी प्रोमिनेंट वर्क हैं तो मैंने तीन चार का भी नाम लिखा है ना। लेकिन आई सजेस्ट कि जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, आप अपने नोट्स में उनको ज़रूर लिखें एंड उनको रिवाइज भी करें। तो सबसे पहले जो मेजर राइटर हैं, ही इज़ मिस्टर थॉमस मैलरी, एंड आई एम श्योर कि आपको इनके सबसे फेमस वर्क का नाम भी जरूर पता होगा। ये एक इंग्लिश राइटर थे जिन्हें सबसे ज्यादा अपने वर्क ले मॉटे डी अर्थर के लिए जाना जाता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ले मॉटे डी अर्थर। अर्थर यानी कि ये अर्थुरियन लेजेंड्स का एक कंपाइलेशन है। अब अर्थुरियन लेजेंड्स क्या होती हैं? अर्थुरियन लेजेंड्स आर द स्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड किंग अर्थर एंड हिज नाइट्स, ठीक है। ये क्योंकि अब ये शिव क्योंकि ये किसी राजा को उसके नाइट्स के अराउंड है, तो ऑब्वियसली इसकी जो थीम्स हैं, दे विल इंक्लूड इट विल इंक्लूड शिवेलरी, ऑनर एंड क्वेस्ट फॉर द होली ग्रेल। कहा जाता है कि होली ग्रेल वो बॉल था जिसमें जीसस क्राइस्ट ने अपना आखिरी खाना लिया था। तो इसी सब के इर्द गिर्द ये जो कहानियां हैं वो घूमती हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो आज भी हमको देखने को मिलता है, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क माना जाता है। ये जो वर्क था ले मॉटे डी अर्थर, इसको कैक्सटन के द्वारा पब्लिश किया गया था इन 1485। कैक्सटन जो है, विलियम कैक्सटन, उन्होंने थॉमस मैलरी को एज अ नाइट प्रिजनर क्लासिफाइड किया था। नाइट प्रिजनर, इस नाम से हमको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका एक क्रिमिनल करियर रहा था। इट रिफ्लेक्ट्स हिज क्रिमिनल करियर समवेयर, ठीक है। और जो थॉमस मैलरी थे, ही वॉज ऑल्सो द प्रिजनर ऑफ वॉर ड्यूरिंग वॉर ऑफ रोजेस। इन्होंने अलग अलग समय अलग अलग हाउसेस को सपोर्ट किया था, ठीक है। ऑलराइट, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर, एंड ही इज थॉमस मोर। थॉमस मोर का एक ही सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, एंड मैं बोलूंगी कि इनके ज्यादा वर्क लिखने से अच्छा है इस वर्क को आप जाकर डिटेल में देखें। हालांकि इम्पोर्टेंट चीजें मैं मेंशन कर दूंगी। तो इनका सबसे फेमस जो वर्क है, दैट इज यूटोपिया। यूटोपिया का आई एम श्योर आपको शाब्दिक अर्थ भी पता होगा। इट टॉक्स अबाउट अ वेरी आइडियल सोसाइटी। तो ऐसे ही थॉमस मोर का जो वर्क है यूटोपिया, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन आइडियल सोसाइटी जहाँ सब कुछ एक्सेप्शनली परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। इन्होंने किंग हेनरी के अंडर लॉर्ड चांसलर के रूप में भी सर्व किया था, लेकिन इनको फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया किंग हेनरी दी एट के द्वारा। व्हाई? बिकॉज समवेयर ही वाज लाइक रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज हेनरी दी एट एज द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किंग हेनरी दी एट बहुत सुप्रीमेसी में जीता था, उसको लगता था दैट ही इज द बेस्ट। उसने खुद को चर्च ऑफ इंग्लैंड उसने खुद को हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड घोषित कर दिया था काइंड ऑफ। और थॉमस मोर इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, इनफैक्ट ही वॉज रिफ्यूजिंग। इसके बाद उसने क्या किया, इनका एग्जीक्यूशन करा दिया गया, ठीक है। तो इनके बारे में आप यूटोपिया याद रखिएगा, इनका सबसे फेमस जो वर्क है। इसको इसके बारे में दो तीन चीजें याद रख लीजिएगा कि ये ओरिजिनली लैटिन में लिखा गया था एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1516, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम यूटोपिया, इनके कुछ और भी वर्क्स हैं, जैसे कि सेकंड इनका वर्क है अ डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिब्यूलेशन 1534। इसका बस आप नाम ही नोट डाउन कर लीजिए और बहुत ज्यादा
डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये वर्क जो है वो थॉमस मोर तब लिखते हैं व्हेन ही वाज इम्प्रिजन्ड, और कैसे इंसान अकेलेपन में क्या क्या उसके मन में विचार आते हैं, इन्हीं सब के बारे में वो इस वर्क में लिखते हैं। इसके बाद इनका तीसरा वर्क है द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थ्री। इन्होंने ये एक हिस्टोरिकल वर्क लिखा था, बट अगेन आपको इनका एक ही वर्क डिटेल में पढ़ना है, एंड दैट इज यूटोपिया फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद आते हैं थॉमस व्यार, जिन्हें इनके किसी लिटरेरी वर्क से ज्यादा इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। थॉमस व्यार जो है ये एक इंग्लिश पोएट थे एंड डिप्लोमेट थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी दी एट। इनको क्रेडिट दिया जाता है टू ब्रिंगिंग ही ब्रॉट सोनेट्स इन टू इंग्लिश लिटरेचर। इसका जो क्रेडिट है वो मिस्टर थॉमस व्याट को दिया जाता है। इनके जो सोनेट्स हैं दे एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लव डिजायर एंड जो कोर्टली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उन सारे चीजों पर इनकी कविताएं बात करती हैं। इनकी जो पोएटिक स्टाइल थी वो काफी इन्फ्लुएंशियल थी, बट अगेन इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है दैट ही ब्रॉट सोनेट्स इन टू इंग्लिश लिटरेचर। इनका एक वर्क भी है टॉटल्स मिसेलेनी। इसको टॉटल्स मिसेलेनी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको पब्लिश रिचर्ड टॉटल ने कराया था, बट एक्चुअली टॉटल्स मिसेलेनी, ये जिसको हम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम से भी जानते हैं, ये एक कंपाइलेशन था पोएम्स का जिसमें मेनली जो पोएम्स हैं वो थॉमस व्याट एंड इनके फ्रेंड हेनरी हावर्ड ने लिखी थी। इसके अलावा भी कुछ राइटर्स ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया था कविताएं लिखकर, पर मेनली जो राइटर्स इसमें इंक्लूडेड थे दे वर थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सरे, दैट इज हेनरी हावर्ड, है ना। तो इट वॉज पब्लिश्ड बाय रिचर्ड टॉटल इन 1557, ठीक है। इसके अलावा इनका वर्क है दी मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट, एंड इनको फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में पूछा है तो आप व्याट लगाइएगा, अगर दो दो करके ऑप्शन है तो आप व्याट एंड सरे लगाइएगा। सरे मतलब अर्ल ऑफ सरे, जिन्हें हम हेनरी हॉवर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब है हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड जिन्हें हम अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, ये एक इंग्लिश पोएट थे। इनको जैसे कि हम थॉमस व्याट को क्रेडिट देते हैं दैट ही इंट्रोड्यूस्ड सोनेट्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे ही हम हेनरी हॉवर्ड को क्रेडिट देते हैं दैट ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने वर्जिल के वर्क एनिड का भी ट्रांसलेशन किया था, एंड जो ब्लैंक वर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैंक वर्ड्स के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है, तो ये जो ट्रांसलेशन है ये भी इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में ही की थी। बाद में आगे जाकर ब्लैंक वर्ड्स काफी पॉपुलर हो जाती है और सर हेनरी हॉवर्ड को इस चीज का पूरा क्रेडिट दिया जाता है दैट ही इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद आते हैं डेसिडेरियस इरास्मस। इरास्मस, अच्छा मैंने फर्स्ट ही स्लाइड में आपको बताया था दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म हम किसे बोलते हैं? पेट्रार्क को। यहाँ आपको याद रखना है कि हम प्रिंस ऑफ द ह्यूमनिस्ट इरास्मस को कहते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ द ह्यूमनिस्ट पेट्रार्क, पेट्रार्क एंड प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट हम बोलेंगे इरास्मस को। इरास्मस जो है इनको द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमनिज्म में इरास्मस एक प्रोमिनेंट फिगर थे, इस मूवमेंट में वो एक प्रोमिनेंट फिगर थे। ही ऑलवेज एम्फेसाइज द स्टडी ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर हिस्ट्री एंड फिलोसफी। तो रिवाइवल लाने में इनका बहुत योगदान था क्योंकि हमेशा प्रमोट करते थे कि हमें अपनी क्लासिकल लिटरेचर को, क्लासिकल हिस्ट्री को हमेशा हमें आगे लाना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। उन्हें लगता था कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड एजुकेशन के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। क्योंकि आप जितनी ज्यादा अपने रूट्स से कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आप आगे भी बढ़ सकेंगे, है ना। तो दिस वॉर ही वॉज इरास्मस। इरास्मस का जैसे कि मैंने बताया कि कुछ राइटर्स के एक आधा वर्क ही होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, तो जो इरास्मस थे इनका सबसे फेमस वर्क था दी प्रेज ऑफ
फॉली, दी प्रेज ऑफ फॉली ही मैं कहूंगी कि आप इनका याद करिए, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है रेस्मस के लिए। सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से दी प्रेज ऑफ फॉली आप अपने में जरूर नोट डाउन कर लें, ये इनका सबसे फेमस वर्क है विच केम आउट इन 1509। इसके अलावा इन्होंने कुछ और वर्क्स भी लिखे थे जैसे कि दी हैंडबुक ऑफ द मिलिटेंट क्रिश्चियन, द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस, नोवम इंस्ट्रूमेंटम, द कंप्लेंट ऑफ पीस एंड द हैंडबुक ऑफ द क्रिश्चियन सोल्जर। बट अगेन आई वुड से कि इफ यू आर लाइक राइटिंग योर नोट्स तो यू मस्ट नोट द प्रेज ऑफ फॉली। बाकी आप हैंडबुक ऑफ द मिलिटेंट क्रिश्चियन, द हैंडबुक ऑफ द क्रिश्चियन सोल्जर, द कंप्लेंट ऑफ पीस वगैरह भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब है विलियम टिंडल। एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट विलियम टिंडल इज नोन फॉर द बाइबल ट्रांसलेशन, है ना, इन्होंने जो बाइबल ट्रांसलेट की थी फ्रॉम ग्रीक टू इंग्लिश इन 1526, इसके लिए इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, फिर है रिचर्ड टॉटल। रिचर्ड टॉटल एक पब्लिशर थे एंड इनको, वैसे तो इन्होंने काफी सारी चीजें पब्लिश की थी बट सबसे ज्यादा जाना जाता है टॉटल्स मिसेलेनी के लिए, जिसे हमने थॉमस वियार्ट और हेनरी हॉवर्ड में भी पढ़ा। टॉटल्स मिसेलेनी, जिसे हम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी कहते हैं, ये इनकी सबसे फेमस पब्लिकेशन थी। ये जो एंथोलॉजी है, ये जो कंपाइलेशन था, इसमें वियार्ट, सरे और कुछ और भी उस वक्त के जो राइटर्स थे उनके वर्क्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं रॉजर एशम। देखिए ये जो पूरे नोट्स हैं ये मैंने सीयूईटी पीजी के हिसाब से प्रिपेयर किए हैं, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो शायद रॉजर एशम के एक दो और वर्क मिल जाएंगे, बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड देम बिकॉज देन इट विल कन्फ्यूज यू, है ना। मैंने इन्हें बहुत ही क्रिस्प, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखा है। अगर किसी का थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंट है तो मैंने नोट डाउन किया है, बट आई विल सजेस्ट कि जैसे रॉजर एशम है, ही इज अ माइनर राइटर, बट इनका एक ही फेमस वर्क है, दैट इज द स्कूल मास्टर। तो इस अप्रोच से आपको पढ़ाई करनी है, जस्ट डोंट लीव समवन कम्प्लीटली, बट अगर उसका एक आध वर्क इम्पॉर्टेंट है तो ऑलवेज नोटेड डाउन। तो ये जो रॉजर एशम थे ये एक इंग्लिश स्कॉलर एंड टीचर थे। अब टीचर थे तो वर्क भी वैसा ही लिखेंगे, उससे रिलेटेड ही लिखेंगे, राइट। सो ही रोट दिस वर्क नोन एज द स्कूल मास्टर एंड इट इज हिज मोस्ट फेमस वर्क, जहाँ पर वो एजुकेशनल फिलोसफी को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हैं विलियम डनबर। विलियम डनबर जो है ये एक स्कॉटिश मेकर थे एंड पोएट थे। इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है इनके वर्क लेमेंट फॉर दी मैकेविस के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा भी इनके दो वर्क मैंने लिखे हैं, दी ट्रेटिस ऑफ दी टू आर मैरिड वीमेन एंड द वीडो, बट आई सजेस्ट कि आप सिर्फ इनका जो दी लेमेंट ऑफ दी मैकेविस है इसी वर्क को नोट डाउन करें, है ना। यही इनका वर्क जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद मैंने इस वक्त के कुछ फीमेल राइटर्स को भी नोट डाउन किया है बिकॉज उनका एक आधा वर्क था जो इम्पोर्टेंट था, तो आई थॉट वाई टू लीव, है ना। तो सबसे पहले क्रिस्टीन डी पिजान। क्रिस्टीन डी पिजान जो है उस वक्त की ऐसी पहली राइटर थी जिन्होंने, हम जानते हैं कि एफ्रा वेन वॉज द फर्स्ट वन टू लाइक अर्न हर लिविंग बाय राइटिंग, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि एफ्रा वेन के भी पहले एक माइनर राइटर थी जिन्होंने इतने लाइक इतने पहले के जमाने में अपना जो जीवन है वो पैसे जो है जो कमाना वो अपनी लेखनी से उसको कमाने की कोशिश की थी, एंड शी वॉज क्रिस्टीन डी पिजान। इन्होंने वर्क लिखा था द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज एंड द ट्रेजर ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज। इसके बाद मार्गरी कैंप, बहुत ही सिंपल इनका वर्क है, शी रोट द बुक ऑफ द मार्गरी कैंप। फिर है जुलियान ऑफ नॉर्विच, इन्होंने लिखा था 16 रिवेलेशंस ऑफ डिवाइन लव। तो ये थे इस वक्त के मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली एमसीक्यूज भी करते हैं वेयर वी सॉल्व 5 एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस, एंड जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी इन दैट क्लास आई विल बी टेलिंग यू द आंसर्स ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस। बाकी फॉर नाउ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है दैट व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन फॉर हिज वर्क यूटोपिया डिस्क्राइबिंग एन आइडियल सोसाइटी। सर थॉमस वियार्ट, थॉमस मोर, विलियम टिंडल, डेसिडेरियस एरास्मस, और इज इट डी थॉमस मैलरी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच राइटर इज एसोसिएटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फॉर्म टू इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज, हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश मेकिंग इट एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेज, विच स्कॉलर एंड ह्यूमनिस्ट wrote In Praise of Folly, a satirical work criticizing societal norms and the church. Question number fifth says, who is credited with writing Les Morte d'Arthur, a compilation of Arthurian legends? ठीक है, तो ये थे आज के 5 questions and this was age of revival. No problem, I guess. तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस एंड आपको मैं बता दूं कि तो ये थे 5 क्वेश्चन. सो ऑन दिस नोट वी एंड द एज ऑफ रिवाइवल. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज डू लाइक द वीडियो. और मैंने आपको पहले भी कहा है दैट ऑल दिस इज टेकिंग सो मच हार्ड वर्क. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम. जल्दी ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो अपना फीडबैक हमें कॉमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें. थैंक यू. कीप प्रिपेयरिंग. वी विल सून मीट इन आर next video.